परमेश्वर के अति पवित्र नाम को उचित महिमा इस अनुग्रहित दिन में अर्पित करते हुए हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के अतुल्य नाम में विशेष स्नेह को मैं सबके साथ बांटता हूँ। फिलिप्पियों 4:7 इस प्रकार कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इस अनुग्रहित वचन से यीशु शांति देने वाला, जीसस द पीस गिवर, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। विलियम मैकडोनल्ड नाम के एक अनुग्रहित लेखक ने अपने लेख में ऑस्ट्रेलिया की एक विधवा के बारे में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के प्रति सिद्ध भक्ति, परमेश्वर पर कभी ना डगमगाने वाला विश्वास और एक गहरे समर्पण से भरा जीवन था इस बहन का जीवन। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने पति को खो दिया। 5 बेटों की परवरिश की जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गया, लेकिन भजन संहिता 146 के 9वें वचन ने उन्हें जीवन को सफलता पाते हुए जीने के लिए प्रेरित किया, जो कहता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है। इन 5 बेटों को परमेश्वर को जानने के लिए और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करने की परवरिश करने की कृपा इस माँ को मिल सकी। उस समय में विशेष रूप से उनका देश युद्ध संबंधित मुसीबतों के दौर से गुजर रहा था। कुछ समय के बाद जब देश में युद्ध का समय आया तो सेना में सैनिकों की आवश्यकता हुई। अपने देश के विशेष आह्वान को स्वीकार करके ये 5 युवा एक ही रेजिमेंट में सैनिकों के रूप में नियुक्त किए गए। हर एक दिन परमेश्वर की सुरक्षा को अनुभव करने की कृपा परमेश्वर ने उन्हें दी। युद्ध में मारे जाने वालों की खबर उनके घरों में पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति एक विश्वासी था। एक दिन यह माँ खिड़की से बाहर देखने के समय में दूर से वह व्यक्ति अपने हाथ में एक टेलीग्राम लेकर उनके घर का रास्ता लिए हुए आता है। बहुत आशंका के साथ में इस माँ ने घर का दरवाजा खोलकर इस व्यक्ति को नमस्कार कहकर अपने घर में अंदर बुलाकर बेहद दर्द के साथ इस प्रकार पूछा, किस बेटे को मैंने खोया है? 5 बेटों में से किस बेटे को मैंने खोया है, इस सवाल का जवाब देना उस व्यक्ति के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि वह खबर जो यह माँ सुनने वाली थी उनके सहने से बाहर थी। अंत में उस व्यक्ति ने जवाब दिया, 5 बेटे। उनके चेहरे पर उदासी छा गई, मन टूट गया, होंठ कांपने लगे और आंखें भर आई। बहुत दर्द के साथ उन्होंने उस अवस्था पर जय पाना चाहा, परमेश्वर की कृपा पर भरोसा किया। अंत में ऐसा उन्होंने जवाब दिया कि वो सब उसके थे, उसने उनको अपने साथ होने के लिए उठा लिया। आगे का समय दोनों ने अपने घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी परेशानियों को, कुड़कुड़ाहट को, कड़वाहट को, दर्द को परमेश्वर के सामने रखकर जो वचन हमने पढ़ा उसके अनुसार परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है मसीह यीशु के द्वारा अनुभव करने का समय अपने जीवन में पाया। मुझे सुनने वाले प्रिय मित्रों, मैं यह नहीं कह रहा कि जब जीवन में दुख आए तो आप आंसू न बहाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी आंसू बहाए थे, लेकिन उसके परे एक वास्तविकता जो हमें जाननी चाहिए कि परमेश्वर की भक्त इस विधवा के समान जीवन के दुख के क्षणों में प्रभु यीशु मसीह में मिलने वाली शांति को अनुभव करके दूसरों से अलग एक जीवन जीने वाले हम में से हर एक होने पाए। इसी शांति को अनुभव करके एक मसीह सेवक ने इस प्रकार गीत गाया है कि यीशु की संगति में कितनी ही शांति है, विचलित होने वाले मन को देगा सुख का दान, दर्द बढ़ने पर, अपनों के दूर होने पर कभी ना बदलने वाला मित्र यीशु मसीह के सीने से मैं लग जाऊंगा। मुझे सुनने वाले प्रिय, हमारे सपने और हमारी योजनाओं के कई बार टूट जाने पर प्रभु यीशु मसीह पर कुड़कुड़ाए बिना, आशंकाओं को दूर करके, परमेश्वर की शांति को अनुभव करके, अवस्थाओं पर जय पाने के लिए, ओवरकम करने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। सारी समझ से परे परमेश्वर की शांति हमारे मनों में भरकर बहने वाले एक दिन की मैं आशा करता हूँ। जीवन की चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, उस पर धन्यवाद के साथ जय पाने वाले दिन आगे भी होने पाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।